हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज जो हमारा uh, रहेगा जिसमें हमने आज पढ़ना है तो हमारा रहेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन एंड देन उसके बाद हमारा जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे प्रिलिम्स के लिए इम्पॉटेंट है एंड ये करंट अफेयर्स में ज़्यादा न्यूज़ में थे इसी वजह से ये करंट अफ़ेयर्स के मैंने कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स लाए सेकेंडली हम पढ़ेंगे कल्चर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट uh, जो हमारी पर्सनैलिटीज़ थी वो न्यूज़ में थी जिसमें कि हमने अलूरी सीतारमन राजू के बारे में हम पढ़ेंगे सेकेंडली उसके बाद हम जाएंगे प्लेस इन न्यूज़ इन इंडिया इंडिया में जो जुलाई के टाइम में जितनी भी प्लेसेस न्यूज में थी हम उसके बारे में पढ़ेंगे ओके okay? सो so, जो भी आ, मेरे चैनल देख रहा है फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ऐसे ही आपको न्यू न्यू रोज वीडियो मिलते जाएंगे तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक दैट इज कॉपरेटिव सोसाइटी वॉट यू मीन अबाउट द कॉपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है सी वाई न्यूज पहले हम पढ़ लेते हैं कि न्यूज में क्यों था यूनियन एंड कॉपरेशन ने अटेंड किया सेलिब्रेशन ऑफ द हंड्रेड इसकी जो है हंड्रेड इनका एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था न्यू डेली में अगर हम बात करते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी क्या है देखिए वर्ड कॉपरेटिव से ही आपको पता चल जाएगा पता चल के या होगा किसका मतलब होता है कॉपरेशन एक साथ मिलके ठीक है तो कॉपरेटिव सोसाइटीज का मतलब हुँ. क्या होता है कि एक साथ मिलके जो काम करते हैं अगर हम बात करें और कि इसका बैकग्राउंड क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो है इसका इसको ऑर्गेनाइज कराती है एंड नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1929 में बाद में इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था 1961 में इसका मेन थीम क्या होता है बिल्डिंग सेल्फ रियाल इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड थ्रो कॉपरेटिव क्या होता है इंडिया को बिल्ड करना थ्रो कॉपरेटिव अगर हम बात करते हैं कॉपरेटिव के कॉपरेटिव का मतलब क्या होता है ये एक वॉल्टरी एसोसिएशन है यानी कि इसमें आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं और अपनी मर्जी से ही जा सकते हैं कोई भी आपको फोर्सफुली कॉपरेटिव में नहीं रख सकता एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें इंडिविजुअल्स के कॉमन नीड्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं ताकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो फुलफ़िल हो सके इनका मेन एम क्या होता है कि सपोर्ट कर सके अपने मेंबर्स को विद द फोकस ऑफ द poorest सेक्शन यानी कि जितने भी सोसाइटी में पोअरेस्ट सेक्शन होते हैं उन्हें अपलिफ्ट करने की बात करता है ठीक है अपलिफ्ट करने की बात करती है कॉपरेटिव सोसाइटी जैसे इंडिया में अगर हम कॉपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो वो है अमूल ठीक है बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ पे कॉपरेटिव सोसाइटी है जो कि काम करती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कॉपरेटिव जो है वो एक साथ मिलके काम करते हैं देयर म्यूचुअल कंसेंट ये एक वॉल्टरी ऑर्गेनाइजेशन है विद द फोकस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पोअरेस्ट सेक्शन ये तो हो गया कॉपरेटिव अगर हम बात करते हैं कि इसमें कुछ लीगल प्रोविजंस भी है यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इसको कॉपरेटिव इस सोसाइटी को लीगल प्रोविजंस भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको कब दिया गया था तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है देखिए ऊपर हमने जो भी पढ़ा कि किसके हंड्रेड सेलिब्रेशन में नाई गई तो ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा प्रेलियम्स में अगर इस आपसे पूछा जाएगा प्रेलियम्स में कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल ने कौन सी अमेंडमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था तो वो दिया गया था नाइन्टी सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो टू थाउजेंड एंड एलेवन में हुई थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन दिया गया था कॉपरेटिव सोसाइटी को सो so, आपको ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है सेकेंडली हमारे यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट right भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना ये हमारा एक फंडामेंटल राइट right है अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन सी इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट अगर देखा जाए हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी भी है जो प्रोमोट करता है कोपरेटिव सोसाइटी को अंडर आर्टिकल फोर्टी थ्री बी ये हमारे पार्ट नाइन बी में भी एड ऑन किया गया है और अगर बात की जाए आपने आपने पढ़ा होगा सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एंड आपने पढ़ा है सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट ठीक है तो ये पार्ट नाइन में है पार्ट नाइन में ये है सेवेंटी थर्ड एंड पार्ट नाइन ए में है हमारा सेवेंटी फोर्थ तो नाइन बी में क्या है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है तो जो अभी देखिए हमने इसकी सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट के हमने आर्टिकल देखे हैं टू फोर्टी थ्री ठीक है ना टू फोर्टी थ्री आर्टिकल से स्टार्ट होता है तो कोपरेटिव सोसाइटी का भी जो आर्टिकल है वो टू फोर्टी थ्री जेड एच से लेकर कर टू फोर्टी थ्री जेड टी तक इसके आर्टिकल्स ख़त्म होते हैं पार्ट नाइन बी देखिये इसमें से आपको पता भी चल गया कि सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट जो है वो कौन से पार्ट में है सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट कौन से पार्ट में इसके बाद देखी जाए जो हमारा नाइन्टी सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई वो पार्ट नाइन बी में रखा गया कॉपरेटिव सोसाइटी हमारी स्टेट लिस्ट में भी है जो कि सेवंथ शेड्यूल में आती है सेवन शेड्यूल जो हमारा स्टेट लिस्ट है उसमें भी कॉपरेटिव सोसाइटी जो है उसके बारे में लिखा गया है सो so ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं जिसमें जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अबाउट द कॉपरेटिव सोसाइटी जो फंडामेंटल राइट right हमारा नाइनटीन वन सी है फोर्टी थ्री बी बी हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है एंड नाइन बी जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के आर्टिकल टू जेड एच से लेके टू जेड टी तक है उसके बाद हमारे सेवन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया सो फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट, जिसमें कि हमने कॉपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा कऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक वॉल्टेरी ऑर्गेनाइजेशन है एंड वर्किंग फॉर द पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सेल्फ हेल्प और अपने लोगों की जितने भी उनके मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प करती है फॉर द अपलिफ्टमेंट इकोनॉमिकल हेल्प ठीक है ना उनको अपलिफ्ट करना पूरे सेक्शन जो है सोसाइटी का उसे अपलिफ्ट करने की बात करती है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है राइट टू बी फॉरगॉटन ये करंटली न्यूज में था राइट टू बी फॉर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि एक कपल की जितनी न्यूज़ थी इंटरनेट पे या कोई भी सर्च इंजन पे उसे डिलीट करने की बात की है कि इन कपल्स की जो डिटेल्स है उसे रिमूव किया जा सके अब बात ये नहीं है कि हमने पढ़ना है कि रिमूव करना डिटेल हमें ये पढ़ना है कि राइट टू बी फॉरवर्ड कम्स अंडर विच आर्टिकल सो अगर हम देखें पटिशनर जो भी है जैसे पब्लिक डोमेन में जिन जिस वजह से उनको एम्बेरसमेंट या सोशल स्टेगमा या कुछ उनकी प्राइवेसी जो है वो खराब हो रही है उस वजह से हम उस डिटेल को डिलीट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेट इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ तो एक केस हुआ था एक लैंडमार्क जजमेंट हुई थी इसके ऊपर के एस पुट्टास्वामी वर्सेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इनके ऊपर हुआ था इन दोनों ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी जिसमें बोला गया था राइट टू बी फॉरगटन एज पार्ट ऑफ द लाइफ अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपसे पूछा जाए कि जो राइट टू बी फॉरगटन है वो कौन से आर्टिकल में आता है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन में आता है अगर आपसे पूछा जाए इसके पीछे जो एक लैंडमार्क जजमेंट हुई थी उसका केस कौन सा था वो के एस पुट्टास्वामी जो है वो वाला केस था जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट हुई है जैसे हमारे केशव नंदा भारती जजमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है केशव नंदा भारती जजमेंट जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेट करता है तो वैसे ही के एस पुट्टास्वामी जो है वो रिलेट करता है आर्टिकल 21 राइट टू बी फॉरगटन से उन्होंने बोला था कि जो राइट right टू लाइफ है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू प्रवोसी है वो ही हमारे राइट टू फॉरगेटन जो है वो भी उसी में ही आएगा सो so, ये था हमारा राइट टू बी फॉरगेटन जो कि करंटली न्यूज में था इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेजेंट देखिए ये काफी न्यूज में था ठीक है इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट के बारे में देखिए सब पढ़ते हैं जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट के uh, कौन सा रिलेटेड आर्टिकल है चाहे हम जेके एस एस बी का एग्जाम दें चाहे हम कोई भी एग्जाम दें स्टेटमेंट बेस्ड भी इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं सो so स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट पे आर्टिकल सिक्सटी टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन टू बी फिल्ड वेकेंसी कास्ट बाई द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट या फिर उसके एक्सपायरेशन से पहले आर्टिकल बताता है कि प्रेजिडेंट की टर्म एक्सपायरेशन से पहले या फिर एक्सपायरेशन के बाद इलेक्शन होना कंपल्सरी होता है इलेक्शन का प्रोसेस क्या है जो प्रेजिडेंट है वो इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्टोरियल कॉलेज जिसमें कौन कौन होते हैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बोथ द हाउसेज मैंबर ऑफ लेजिस्टिव असम्बली ऑफ़ द स्टेट एंड द यूटीज एंड नॉमिनेटेड मेम्बर जो होते हैं ना नॉमिनेटेड मेम्बर राज्यसभा के या लोकसभा के असेंबलीज के वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते ये जो है ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेजिडेंट के लिए ना कि प्रेजिडेंट के लिए तो आपको ये याद रखना है ठीक है कि ये जो है ये सिर्फ प्रेजिडेंट की लिए ही पार्टिसिपेट करते हैं बट जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो नॉमिनेट तो प्रेसिडेंट करता है बट नॉमिनेटेड मेंबर जो है आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेजिडेंट इलेक्शन जो है वो हेल्ड किया जाता है एज द सिस्टम ऑफ पीआर सिस्टम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये याद रखिएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड पीआर सिस्टम अब एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था ये मैंने अपने ग्रुप में क्वेश्चन भी डाला था कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इज नॉट एप्लीकेबल ये इंपॉर्टेंट है इन द इलेक्शन प्रोसेस एंड नॉट बाउंड टू वोट अलॉन्ग विद द पार्टी लाइंस। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता ये याद रखिएगा ठीक है अब देखिए अल... आर्टिकल 324 ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलता है कि आपको अथॉरिटी है कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो करवा सकते हैं तो आर्टिकल 324 इज़ रिलेटेड टू किसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और ये अथॉरिटी देता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आप ही करा सकते हैं सो so, ये थे हमारा इलेक्शन प्रोसेस जिसमें कि हमने पढ़ा कि प्रेजिडेंट इलेक्शन किस तरीके के होते हैं और इनकी टर्म क्या होती है फाइव ईयर्स होती है अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट की बात करें देखिए इंडिया में टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन्स होते हैं एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन एंड होता है एक इनडायरेक्ट इलेक्शन जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में जिसमें लोग जो हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इलेक्शन की तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शंस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस और होते हैं राज्यसभा के इलेक्शन्स ये तीन इलेक्शन जो होते हैं इन डायरेक्ट इलेक्शन्स होते हैं इसमें जो है वोटिंग करने का अधिकार होता है एम पीज एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को बट नॉट द जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो प्रेजिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ओके सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पी आर सिस्टम मैंने आपको बताया था पी आर सिस्टम से ही होता है जिसमें दो तरह के सिस्टम आते हैं एक आता है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और आता है हमारा लिस्ट सिस्टम तो ये आप सबने पढ़ा ही होगा क्योंकि प्रेजिट इलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे तो इसीलिए ठीक है तो जो लिस्ट सिस्टम है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है वो इसराइल में एप्लीकेबल है तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो इंडिया के इलेक्शंस जो होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शंस उसमें कराते हैं अगर हम बात करें कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन द प्रोसेस ऑफ जो इलेक्शन का प्रोसेस है जे की प्रेजिडेंट का कैसे इलेक्शन किया जाए वो हमने इसराइल से ही लिया है ये जो कॉन्सेप्ट है पीआर सिस्टम या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये हमने इसराइल से ही लिया है तो ये आपको याद रखना है अगर इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ जाते हैं हमारे फिफ्टी फोर आर्टिकल जिसमें इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट की बात की है, आर्टिकल जिसमें टर्म की बात की है कि कितने साल के लिए करते हैं है, की की है कि किस तरीके से इम्पीच किया जाता है ओके okay? सो so, अगर एज की बात करें तो 35 फाइव ईयर्स ऑफ एज वो जो आप सबको पता होगा कि 35 फाइव ऑफ एज जो है वो इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट के लिए अप्लीकेबल होती है

वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती है पार्लिमेंट्रीज कमेटीज़ ये न्यूज़ में इसलिए थी इनमें बोला गया था कि हाउस कमेटीज़ होती हैं जो तो पहले हम जान लेते हैं हाउस कमेटीज़ क्या होती है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ठीक है तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाती है दो तरह की कमेटीज़ होती है एक होती है स्टैंडिंग कमेटी एक होती है एडहॉक कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट होती है ठीक है जो एडहॉक कमेटी होती है वो टेम्परेरी होती है वो टेम्परेरी बेसिस पे बनाती है जैसे कि अभी कोरोना वायरस है तो इसलिए एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी ताकि उसके ऊपर काम कर सके ठीक है ना तो एडहॉक कमेटी है तो टेम्परेरी है एंड परमानेंट कमेटी होती है हमारी स्टैंडिंग कमेटी दो टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी है अब बात करती है न्यूज में थी वाइन न्यूज इंक्रीज द हाउस बोल रहे हैं जो आपने कमेटीज़ बनाई है स्टैंडिंग कमेटी है या एडहॉक कमेटी है इसके जो टेन्योर है उसको इंक्रीज किया जाए उसे बढ़ा दिया जाए जो पहले एक साल का होता था अब उसे दो साल का किया जाए उनकी जो कमेटी और है कमेटी जिस टाइम बैठती है वो जो टाइम है उसको भी बढ़ा दिया जाए ताकि वो मेजर रिपोर्ट्स पे डिस्कस कर सके मर्ज किया जाए कमेटीज़ को इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स को न्यू कमेटीज़ के साथ एग्जामिन किया जाए उनकी मीटिंग्स को ठीक है तो ये जो था ये न्यूज़ में था इस तरीके से बात की गई थी कि ऐसा होना चाहिए हमारी जो कमेटीज़ हैं उनका टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाए एंड उनकी जो कमेटी के और है उनको भी बढ़ा दिया जाए अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कमेटी जो अपॉइंट की जाती है बाय आइदर ऑफ द हाउसेस जो भी होती है नॉमिनेट कौन करता है स्पीकर चेयरमैन करता है जो कि उनके अंडर डायरेक्शन में काम करते हैं उनका एक सेक्रेटेट होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से ही पार्लियमेंट्री कमेटीज है वो आर्टिकल याद रखने है आपने देखिए पार्लियामेंट्रीटीज बनाई जाती है उनके पास अथॉरिटी होती है अंडर आर्टिकल आर्टिकल 105 एंड 118 ये दो जिसमें पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्रीटीज को अथॉरिटी दी गई है तो जो आर्टिकल्स रिलेट करते हैं किसी से वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज है, जो है उनकी जो अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दी वो कोई बाउंड नहीं है पार्लियामेंट के लिए उसको मान नहीं मानने, मानने। बट एक तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटीज अपनी रिकमेंडेशन दे देती है अब वो पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट माने या ना माने ओके okay? तो दो टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्रीटीज है जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटीज है ये इंपॉर्टेंट है तभी जो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं मैंने वो ही आपको लेके आई हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है वो कैसे होती है कमेटी ऑन द पब्लिक अकाउंट इसमें ट्वेंटी टू मेबर्स होते ये जो कमेटीज़ के मेंबर होते हैं इनमें राज्यसभा और लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं और वही जो है इन कमेटीज़ के हेड भी होते हैं 15 मेंबर्स हैं जो कि लोकसभा से होते हैं सेवन मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं okay, ओके 15 हो गए हमारे लोकसभा से एंड सेवन हमारे हो गए राज्यसभा से इन कमेटीज़ को इलेक्ट किया जाता है पी सिस्टम से ही जो कि हमारे प्रेजिडेंट इलेक्शन से होते हैं टर्म ऑफ द ऑफिस क्या है सभी जितने भी है ना इनके टाइम पीरियड है इसलिए न्यूज में था कि इसका टाइम पीरियड से टू तक किया जाए सो so, जो चेयरमैन होता है स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है ताकि वो मीटिंग्स को अटेंड करें पहली आगे हमने पढ़ी जिसके मेंबर्स थे 22 जिसमें वो लोकसभा के थे, इन 7 जो थे वो राज्यसभा के थे सेकेंड आ जाती है हमारी एस्टिमेट कमेटी जिसके थर्टी मेंबर्स है और ये थर्टी मेंबर्स जो है वो सिर्फ लोकसभा से ही ले गए तो देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया पहली वाली में हमने देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमें लोकसभा से भी मेंबर मिल रहा है राज्यसभा से भी मेंबर्स मिल रहे हैं बट हम एस्टीमेट कमेटी पे आए तो यहाँ पे जो थर्टी मेंबर्स है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही हैं तो ये जो मेंबर्स हैं ये पीआर सिस्टम से ही अपॉइंट किया जाता है और टाइम देखिए वन ईयर ही है सबका वन ईयर ही है ये जो कमेटी है ये इकोनॉमिक्स इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे पॉलिसीज़ बनाती है अभी पॉलिसीज़ बनाएंगी रिकमेंडेशन देगी बट डिपेंड करता है हमारी लोकसभा पे कि वो उसे जो हमारी पार्लियामेंट है उसको बाउंड करती है कि नहीं नेक्स्ट हमारी ला जो है वो है कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स

अंडरटेकिंग तो आपको ये याद रखना है कैग से रिलेटेड रिपोर्ट कौन एग्जामिन करेगा वो करेगा कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है जिसमें 15 सो so, इसके जो मेंबर हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के एंड 11 मेंबर होते हैं राज्यसभा के सो so, आपने ये जो इंपॉर्टेंट कमेटीज है जैसे कि हमने बात किया पब्लिक अकाउंट कमेटी की एस्टिमेट कमेटी की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की ये कमेटीज आपको याद होनी चाहिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, ये था हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज पे जो कि काफी न्यूज में था तो ये जो था कि टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए वन ईयर से टू ईयर करिए कमेटी के रिकम जो और है उसको भी सिटिंग और जो है उन्हें भी बढ़ा दिया जाए सो so, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो है हमारा कल्चर से रिलेटेड अलीरू सीतारामन राजू ये न्यूज में थे पीएम ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया वन बर्थडे एनिवर्सरी ऑन द लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर अलीरू सीतारामन राजू भीमा वर्मन आंध्र प्रदेश इन्होंने वहां पे उनका ब्रोंस स्टैचू को अनवील किया है अगर हम बात करते हैं अलीरू सीतारामन राजू की ये बॉर्न हुए थे मुगालू वेस्ट गोदावरी मद्रास में इनको मनयाम विराडू भी बोला जाता है देखिए प्रीलिम्स के जो इम्पोर्टेंट है वो ये है देखिए काफ़ी जो हमें न्यूज़ में हमें जो हम करंटली दिखते हैं जैसे हम कोई ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें हम उनकी पर्सनैलिटीज़ जो आती है हमारे क्वेश्चन में प्रीलिम्स में हम सोचते हैं कि हमने ये पढ़ी नहीं है कभी तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो हमारे जो करंट अफेयर न्यूज़ में हो रहा होता है वो पर्सनैलिटीज़ भी हमारे को क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना चाहिए मनयाम विराडू जो है उनको हीरो ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है सीतारामन जो है वो आ, जो रंपा रीजन जो है वहां पे उन्होंने आ, सिर्फ रंपा रीजन तक ही सिर्फ सीमित नहीं थे बल्कि वो अक्रॉस इंडिया भी गए उन्होंने कलकत्ता स्विक्रो सोसाइटी में भी बॉम्ब बनाना सीखा वहाँ उन्होंने उसे ज्वाइन किया था उन्होंने चितागोंग जो रिवोल्यूशनरी हुआ था उसमें भी हिस्सा लिया सीतारमन राजू ने इंस्ट्रूमेंटल जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी उन्होंने अपने हिली रीजन यानी कि रंपा और गोदाम में भी चलाई तो देख ही लीजिए सीतारामन राजू जो जो है वो रंपा और गोदाम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई थी तो आपको ये पता होना चाहिए कि रंपा रीजन और गोदाम रीजन में किसने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो चलाई थी तो वो थे सीतारमन राजू सो so ये थी सीतारमन राजू जिनके लिए जो काफ़ी न्यूज़ में थे तो इंपॉर्टेंट है याद रखेगा नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेसेस इन न्यूज़ प्लेस इन इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से सबसे पहले मैंने लिखा देखिए इनमें इन्होंने यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य का ओपन रिवील किया था तो ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड जो है वो है वेस्ट बंगाल में नायडू जिकल पार्क है जो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें ट्वेंटी रेड पांडा फॉरेस्ट में रखे जाएंगे तो देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मा, नायडू जोलॉजिकल पार्क वो कहाँ पे है तो वो है हमारे वेस्ट बंगाल में राजस्थान में रिपोर्ट सबमिट किया मनगर हिल रॉक एज ए नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंट दिया गया मनगन हिल रॉक को मनगर हिल रॉक आपसे पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे है कौन सी स्टेट में है तो वो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में ला जो हमारा है ये मध्य प्रदेश यहाँ पे बुरहानपुर जो फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बनी है पूरी कंट्री की सक्यासागर याद रखिएगा सक्या सागर, सागर वेटलैंड जो है उसे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिली है तो आपसे पूछा जा सकता है कि सक्या सागर जो है वो कौन सी स्टेट में है तो वो है मध्य प्रदेश में गुजरात के प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया गांधीनगर में डिजिटल इंडिया गुजरात के फॉरेस्ट को रिस्टोर किया जाएगा बन्नी ग्रासलैंड से कमिंग ईयरस में लिस्ट ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया गया है अहमदाबाद को यह भी याद रखेगा महाराष्ट्र में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसे 100 परसेंट लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है केरला से अगर हम बात करें फर्स्ट मंकी पॉक्स पॉक्स जो वायरस है वो डिटेक्ट किया गया है केरला में अब आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट मंकी पॉक्स वायरस जो है वो कौन सी कंट्री में था कंट्री से में था ओके okay? चलो मिजोरम में पाला वेटलैंड जो है उसे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है मणिपुर में लोकटक लेक पे जितने भी फ्लोटिंग हाउसेज है और फिशिंग स्ट्रक्चर है उन्हें रिमूव करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने दे दिया है तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है कि लोकटक लेक कहा है असम में ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट है नाम्सल डिक्रेलेशन जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ आसाम ने की फॉर मिनिमाइजिंग इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट तो नामसल डिक्रेलेशन आपसे पूछा जा सकता है कि नामसल डिक्लेरेशन किस किस के बीच में हुई है तो वही असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में। सो so ये थे हमारे करंट अफेयर्स जिसमें हमने प्लेसेस एंड न्यूज को भी कवर किया है हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं एंड देन हमने चार टॉपिक्स पढ़े जिसमें हमने अपने पॉलिटिक्स सेक्शन को कवर किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ आपके साथ आएंगे जिसमें हम आई आर को भी कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस जिसका पी एस आई आर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा हमारे जो मेन्स के एग्ज़ाम्स में सो so, जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें ऐसे ही आपको रोज़ाना वीडियोज़ मिलते जाएंगे थैंक यू एंड बाय बाय